दोस्तों, अभी आपने दूध सागर वाटरफॉल के मनोरम दृश्य को देखा। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मशहूर फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में भी दूध सागर वाटरफॉल को दिखाया गया है। इस मूवी के पहले शायद ही आपने दूध सागर वाटरफॉल के बारे में देखा या सुना होगा। बहुत कम ही लोग होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे। आज हम इसी दूध सागर जलप्रपात से जुड़ी एक खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप इस चैनल में नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए, और आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। खबर पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको इस दूध सागर वाटरफॉल की लोकेशन एवं विशेषताओं के बारे में बताना चाहूँगा। दूध सागर वाटरफॉल 4 स्तरों वाला एक जलप्रपात है जो भारतीय राज्य कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है, जहाँ से मंडोवी नदी गुजरती है। यह झरना गोवा राज्य में स्थित है और इसका पानी कर्नाटक राज्य में जाता है। यह सड़क मार्ग में पणजी से 60 किलोमीटर दूर है और मडगांव बेलगाम रेल मार्ग पर मडगांव से 46 किलोमीटर दूर है, जो कोंकण रेलवे में पड़ता है। दूध सागर जलप्रपात भारत का 5वां सबसे बड़ा झरना है। इसकी ऊंचाई 310 मीटर यानी 1017 फीट और चौड़ाई 30 मीटर यानी 100 फीट के बीच है। यह झरना पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में भगवान महावीर अभयारण्य और मोल्लेम नेशनल पार्क के बीच स्थित है। इस झरने तक पहुंचने का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन केसल रॉक स्टेशन है, जो कर्नाटक में पड़ता है। आप गोवा के कुलेम रेलवे स्टेशन से भी ट्रेन पकड़कर जा सकते हैं। केसल रॉक स्टेशन से ट्रेन पकड़कर दूध सागर झरने के पास स्टॉप पर उतर सकते हैं, परंतु दूध सागर स्टॉप कोई स्टेशन नहीं है। यहाँ ट्रेन थोड़ी धीमी गति से चलती है, जिससे यात्री आसानी से उतर जाते हैं। दोस्तों, अब हम इससे जुड़ी खबर के बारे में चर्चा करेंगे। आप स्क्रीन पर द इंडियन एक्सप्रेस की खबर को देख रहे हैं। यह खबर पिछले रविवार 16 जुलाई की है। गोवा के दूध सागर वाटरफॉल पहुंचे सैकड़ों पर्यटकों को रेलवे पुलिस ने रोक लिया था। दूध सागर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहां पर घूमने जाने का सही समय अक्टूबर माह से जून माह के बीच ही है, लेकिन वर्षा के दिनों में ट्रेकिंग से हादसों का खतरा बना रहता है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि बरसात के दिनों में झरने का आकार बढ़ जाता है, जिसके कारण विजिबिलिटी भी कम हो जाती है और उसकी वजह से खतरे की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसे देखते हुए गोवा रेलवे पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ दिनों पहले झरने पर एंट्री बैन कर दी थी। इसके बावजूद रविवार को सैकड़ों की संख्या में पर्यटक वाटरफॉल देखने पहुंच गए। ये पर्यटक दूध सागर झरने के स्टॉप पर उतरकर पटरियों के किनारे घूम रहे थे। झरने के पास वाली ट्रेन की सुरंग के पास फोटो खिंचवा रहे थे, जहां दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है। पुलिस ने इन पर्यटकों को वहीं रोक लिया और आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी। इसके बाद पर्यटकों ने ट्रैक जाम कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें रेलवे पुलिस दूध सागर रेलवे ट्रैक के पास कुछ ट्रेकर्स को उठक बैठक करवा रही है। बताया जा रहा है कि ये लोग दूध सागर स्टॉप पर ट्रेन से उतरे थे और ट्रैक के किनारे चल रहे थे। रेलवे का नियम तोड़ने की वजह से पुलिस ने उन पर ये एक्शन लिया था। इस घटना के बाद साउथ वेस्टर्न रेलवे ने लोगों से अपील की है कि वे रेलवे ट्रैक के किनारे ना चलें। रेलवे ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, हम आपसे अपील करते हैं कि आप दूध सागर झरने की खूबसूरती का आनंद अपने ट्रेन की कोच से ही लें। रेलवे ने कहा कि ट्रैक के किनारे चलने से न सिर्फ आपकी सुरक्षा को खतरा पैदा होता है, बल्कि यह रेलवे एक्ट के सेक्शन 147 और 159 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, जिससे आपको जेल की सज़ा भी हो सकती है। यह ट्रेनों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप कब जा रहे हैं दूध सागर झरना का लुत्फ उठाने? लेकिन हाँ, नियमों का पालन ज़रूर करें। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें और कमेंट में अपने महत्वपूर्ण विचार ज़रूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।